हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस बुक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। इस साल की शुरुआत मैंने इस बुक को पढ़ने से की और उसके बाद आई एंड अप बाइंग ऑडियो वर्जन ऑफ इट और मैंने उसको 3-4 बार सुना। पर्सनल ग्रोथ के जोन में, पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी हुई चीजों में ये बुक एक बहुत ही शुरुआती कदम है, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, जहां तक कि मैं जानता हूं, बहुत से लोग आप सब में से ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नए नए काम करना चाहते हैं, किसी एक मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, पर कई बार हमें उस मकाम तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाई देता। कई बार हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, कोई नहीं बताने वाला होता कि कैसे हम अपनी जिंदगी में किस दिशा में कदम उठाएं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और टाइम वेस्टिंग फैक्टर यही है कि वी डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, कहां से शुरू करें, कैसे हम अपनी जिंदगी में धीरे धीरे चलते जाएं जिससे हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है वो पहले से बढ़ता जाए, हमें अपनी दिशा में सफलता मिलती जाए। आप ही की तरह मैं भी इन तमाम सवालों से जूझता रहा हूं और पिछले 8-10 सालों से जब मैंने इस दिशा में कदम रखा कि मैं अपनी जिंदगी में कहीं ठहराव और किसी एक ऐसे स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पर्पसफुली और माइंडफुली लाइफ में जीते हुए देखूं, देन आई फेस्ड सेम प्रॉब्लम्स एज यू। मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या करना है, एंड देन आई रियलाइज्ड कि जवाब सालों से हमारे सामने है। ये जो बुक्स हैं, ये जो किताबें हैं अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग ऐसे मेंटर्स की, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से जो रास्ता बनाया उसको लोगों के लिए बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कुछ ऐसे फैक्ट्स के रूप में छोड़ दिया जो हम इनसे जान सकते हैं। तो आज इस पे बात करेंगे दोस्तों, सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। ये बुक सिर्फ ये नहीं बताती कि आप रिच कैसे होंगे, अमीर कैसे होंगे, आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल सक्सेस कैसे पाएंगे, पर ये बुक बहुत सी ऐसी चीजों की तरफ इशारा करती है जो हमें बेहतरी और विकास की तरफ ले जाए। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, अगर हम फिजिकली प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, हमें नहीं मालूम कि हम हेल्थ वाइज कैसे ग्रो करें, अगर हमें नहीं मालूम कि हम इमोशनली या फिर साइकोलॉजिकली कैसे हम संसार की उलझनों से, परेशानियों से ऊपर उठे और कैसे हम एक प्रोग्रेसिव तरीके से जिंदगी जिए, अगर हमें नहीं मालूम कि हम अपने फाइनेंस को कैसे संभालें, अपने परिवार में कैसे एक हार्मनी, एक बढ़ोतरी, एक बहुत ही विकास का जरिया लेके आए, तो ये बुक हर तरीके से आपके लिए बहुत से सीधे ऐसे रास्ते बनाती है। तो आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और आप भी देखिए कि अगर आपको उनसे कुछ फायदा होता है, प्लीज शेयर योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर एक्सपीरियंस विद द रेस्ट ऑफ अदर्स। दोस्तों, आज कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो हमारे लिए शायद फायदेमंद हो। बेस्ट यही है कि आपको अगर ये बुक पढ़ने का मौका मिले, ऑडिबल पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर इसका लिसनिंग वर्जन है जिसको आप सुन सकते हैं, एटलीस्ट आप से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कर सकते। पर्सनल ग्रोथ से जुड़ी हुई बुक्स हैं और उनमें जो किसी ने अपने अनुभव को शेयर किया है वो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। पहली बात, यू डू नॉट बॉर्न विद स्किल्स बट यू लर्न इट। इस बुक में ये बात बहुत ही जोर देकर बोली गई है कि हर एक बच्चा जब वो पैदा होता है कुछ सीख के नहीं आता। अगर आप उसको देखें तो उसको ना बोलना आता है, ना वो किसी को पहचान सकता है, ना किसी से वो जुड़ा होता है। जो कुछ भी वो सीखता है वो यहीं सीखता है। एक इंसान जो आज की तारीख में सफल है या फिर बहुत ही सुलझा हुआ है या बहुत ही आगे बढ़ करके जिंदगी में बड़े बड़े काम कर रहा है, हर एक चीज सीख करके और कुछ न कुछ साधन पा करके आप अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट बना सकते हैं। तो हर एक चीज, हर एक स्किल, हर एक जो भी गुण आप देख रहे हैं, जो भी पैशन आप आज महसूस कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान में जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, जिसको आप बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं, ही लर्नड इट जस्ट हियर इन दिस वर्ल्ड। और उसने वो तमाम चीजें अपनी जिंदगी में जितनी सीखी, जितना उसका एक्सपीरियंस किया, उतना ज्यादा उसने अपने आप को उस एक क्षेत्र में आगे बढ़ाकर मुकाम हासिल किया। तो दोस्तों, पहली चीज, जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं, दैट कैन बी लर्न्ड।
वो सीखा जा सकता है और उसमें अगर वाजिब समय दिया जाए, एक पैशन दिया जाए, किसी चीज को पाने के लिए अगर पूरा फोकस लगाया जाए तो वो चीज आप सीख सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, जो भी कुछ हम अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उससे ठीक विपरीत कई बार हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं, बहुत से ऐसे ख्याल, बहुत से ऐसे सोच होती हैं जो हमें हमारे भविष्य में बढ़ने से रोकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं पर आपका अभी तक का जीवन सिर्फ इस सोच पर आधारित है कि आप हेल्दी नहीं हो सकते, या फिर आप अगर खाना छोड़ देंगे तो आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, आपकी जो पूर्व धारणाएं हैं वो कई बार नए ज्ञान को, नई नॉलेज को, नए तरीकों को आपको एक्सेप्ट करने नहीं देते। तो दूसरी बात जो बहुत ही खूबसूरत है, अगर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, वी शुड बी रेडी टू लूज अवर परसेप्शन। हमें ओपन होना होगा, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो भी कुछ नया है वो हमारे पुरानी नॉलेज जी अब पुराने ज्ञान से एक अलग चीज है, और उसको सीखने के लिए अगर पुरानी चीजों को छोड़ना पड़े, उनको बदलना पड़े, सो दैट इज द प्राइस वी आर गोइंग टू पे। कुछ भी नई चीज सीखने के लिए अगर पुरानी धारणा बदलनी पड़े, दैट इज वर्थ इट। तीसरी चीज दोस्तों, योर माइंड इज क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप जो कुछ भी आज हो वो आपकी सोच, आपकी विचार शक्ति, आपके विश्वास की वजह से हो। अगर आज आप सक्षम हो तो इसलिए कि कभी आपने अपने आप पे भरोसे किया, आपने मेहनत की, आपने उन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाया जो आपके भरोसे को और मजबूत करे। अगर आज आप किसी काम को नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वही कारण है जो आपको आपकी योग्यताओं से दूर ले जा रहे हैं। तो आप जो कुछ भी पाना चाहते हो उसकी शुरुआत होगी पहले उस चीज को स्वीकार करने से। यहाँ दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि हम अगर कुछ पा लेंगे तब हमें उस चीज पर यकीन होगा, तभी हमारा विश्वास बनेगा। पर जितने भी मेंटर्स हुए वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो आपके अंदर, आपके माइंडसेट का अभी से हिस्सा होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, चाहे वो कोई भी दिशा हो, अगर आपका दिलो दिमाग ये कहता है कि आप उसके काबिल नहीं, आप उसके लिए तैयार नहीं, और आपके अंदर वो तमाम गुण नहीं जो उस रास्ते में आपको आगे बढ़ा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप कभी भी उस काम को करने में कदम नहीं उठाएंगे। तो इस बुक में बहुत खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि जो कुछ भी आप पाना चाहते हो या आज की दिशा में आपके पास है वो आपकी सोच और विश्वास का नतीजा है। अगर आप एक डिजायर्ड फ्यूचर पाना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अगर आप चाहते हो कि कल को आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, या फिर आप किसी भी नॉलेज में, किसी भी दिशा में बहुत उच्च स्तर पर जाओ, स्टार्ट डूइंग दैट टुडे विद फुल बिलीफ एंड यू विल अपेरेंटली रीच देयर। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको धीरे धीरे इस बुक को जानने से, पढ़ने से, इसको बार बार अप्लाई करने से हासिल होंगी। तो ऑब्वियसली मैं सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, पर कुछ चीजें जो मैंने पिछले लगभग 10 दिनों में लगातार इस बुक को रिसर्च करते हुए इस चीज को समझा है वो ये कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो तमाम चीजें कुछ सिंपल प्रैक्टिकल तरीकों में छिपी हुई है। आपके लिए, आपके मन चाहे लक्ष्य को पाने के लिए, आपके मन चाहे प्रयास जरूरी है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए या फिर अपने आप को किसी भी दिशा में आगे ले जाने के लिए आपका, आपके हर रोज में से थोड़ा सा हिस्सा कुछ ऐसी चीजों की जानकारी लेकर उसे अप्लाई करने में, अपने अभ्यास में लाने में होना चाहिए जो आपको कुछ नई दिशाओं में आगे बढ़ाए। तो ये साल शुरू कीजिए दोस्तों कुछ नई चीजों के साथ।